अरे मुन्ना जी, कहाँ जा रहे हो? अपनी सब्बो को ढूंढने जा रहा हूँ। मुन्ना जी, अब शाम हो चुकी है, आगे रास्ता खराब है, आज यहीं रुको, हमारे साथ कल सुबह ढूंढना। ठीक है भाईजान, आज तुम्हारे साथ रुक जाते हैं, मगर यहाँ खाएंगे क्या जंगल में? ऐसा करते हैं, पास में एक गांव है, वहां से चावल चीनी दूध ले आते हैं और यहीं बैठकर के खीर बनाएंगे और खा लेंगे। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। तुम एक काम करो, लकड़ी बीन लो, हम सामान लेकर आते हैं, ठीक है? तुम लकड़ी इकट्ठी कर लेना, हम सामान लाते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है जी, मैं जा रहा हूँ लकड़ी लेने के लिए। भाईजान, ले आए लकड़ी? जी ले आया भैया, ले आया जी। मैं तो ठीक है, मैं खीर बनाता हूँ, तुम आपस में बात करो, कर लो बात आपस में। कितनी अच्छी खीर बनी है। मैं तो खीर खूब खा लूं। भाईजान ऐसा है, ये खीर हम लोग सुबह खाएंगे। सुबह क्यों जी? इसमें भी एक मतलब है, मतलब ये है, जो रात में अच्छा सपना देखेगा बस इस खीर को वो ही खाएगा। कैसी बात है? ठीक है जी, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मगर खीर बनी अच्छी है। अरे खीर का तो कोई तोड़ ही नहीं, रसोई के काम में मेरा हाथ बचपन से ठीक रहा, घर पर सारे काम रसोई के मैं ही करता हूँ, खुद करता हूँ, मैं किसी को नहीं करने देता। अच्छा जी, जी हाँ, फिर तो काफी तरक्की की है इस काम में आपने। भाई इसका तो जवाब नहीं, मेरे गांव में चलकर पूछ लेना, बहुत अच्छी खीर बनाता हूँ मैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरक्की की है। चलो अब सो जाते हैं, मगर सपने का ख्याल रखना। चलो, अरे चलो। Ha ha ha!
अरे भाई सुबह हो गई, जग जाओ। अरे मर गया। भाई जागो और अपना सपना बताओ। पहले तुम बताओ। अरे पहले तुम ही बता दो। नहीं, आपको बताना पड़ेगा पहले। ठीक है जी, हम बता देंगे। रात तो मैं सीधा स्वर्ग पहुंच गया। अच्छा जी। हाँ। फिर क्या, राजा इंद्र ने अपनी गद्दी पर मुझे बिठा दिया। अच्छा जी, राजा इंद्र ने बिठा दिया तुम्हें अपनी गद्दी पर। हाँ जी। आगे क्या हुआ? होना क्या था, दो लोग मेरे हाथ पैर दबाने लगे। फिर एक से एक सुंदर अप्सराओं ने जो नृत्य किया है। अच्छा, मत पूछो, मजा ही आ गया। अरे वाह वाह भाई वाह, आपका तो सपना बड़ा अच्छा है। अब तुम सुनाओ जी, तुम्हारी बारी है। नहीं जी, पहले आप सुनाओ, मैं तो बाद में सुनाऊंगा। अरे नहीं भाई, नंबर आपका है, आप सुनाओ पहले। भाई जान, आप ही सुना देते। अरे सुना दो ना। ठीक है, सुनाता हूँ, सुनो। रात तो भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, क्या नजारा था। अच्छा जी। हाँ जी। क्या नजारा था, आगे बताओ भाई जान। शाम को जैसे ही हम लोग सोए। हाँ जी। आंख लगी ही थी, एक बहुत लंबी गाड़ी आई, इतनी लंबी, बहुत लंबी, और आकर रुक गई। फिर क्या हुआ भाई जान? फिर क्या, उसमें एक आदमी आया और मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। साथ ले गया? कहाँ ले गया था जी वो आदमी आपको? वो आदमी मुझे सीधा होटल में ले गया था। अच्छा जी, होटल में? होटल में ले गया था। आगे क्या हुआ भाई जान? होना क्या था, 36 प्रकार के भोजन सामने आ गए। आगे बताओ भाई जान। फिर क्या, खाए, खाने पर वहां मना तो कर नहीं सकता था, इज्जत की बात थी। हाँ जी,